तो क्या तुम भी ओरिजिनल माइनक्राफ्ट खेलना चाहते हो बट वो पेड है इस वजह से नहीं खेल पा रहे एंड क्रैक वर्जन में डाटा सिक्योर ना होने का डर है। सो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा माइनक्राफ्ट की 5 ऐसी कॉपीज जो कि बिल्कुल माइनक्राफ्ट के जैसे ही होने वाली है। एंड इस वीडियो को देखने के बाद तुम भी बोलोगे एल्विस बॉय। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो अपन का फर्स्ट नंबर पे जो गेम निकल के आ रहा है उस गेम का नाम है क्राफ्ट्समैन एक्स। सो इस गेम को ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है जिसमें एक कलुआ सा कैरेक्टर तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा जो कि यार माइनक्राफ्ट में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इसमें काफी अलग कैरेक्टर देखने को मिल जाता है। लिप क्लिक करने के बाद तुम लोगों को इधर सर्वर एंड फ्रेंड्स के साथ खेलने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एंड क्रिएट न्यू वर्ल्ड पे क्लिक करने के बाद तुम लोगों को सेटिंग्स भी सेम टू सेम माइनक्राफ्ट के जैसे ही देखने को मिल जाएगा। सो चलो क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से इधर एक वर्ल्ड। बट उससे पहले इस वर्ल्ड का नाम रख देते हैं। इस वर्ल्ड का नाम रहेगा मोहे 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 मोहे। ये नाम जस्ट ऐसे ही रख रहा हूँ बिकॉज यार इस टाइम सबका मोहे मोहे हो रहा है तो इस वर्ल्ड का भी मोहे मोहे कर देते हैं। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ इस मोहे मोहे वर्ल्ड के अंदर एंड यहाँ पे देख सकते हो इस गेम का कलुआ कैरेक्टर जो कि काफी ज्यादा अजीब सा बना के रखा है इस गेम में। सो अगर ये कलुआ कैरेक्टर तुम लोगों को पसंद आए तो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड नहीं भी पसंद आए तो फिर भी क्या जाता है भाई, सब्सक्राइब कर ही लेना। एंड मेरे को इधर देखने को मिल जाता है एक टर्टल एंड ये टर्टल इधर जमीन पे चल नहीं पा रहा था तो मैं इसको पानी में पहुंचा के इसको बाय बोलता हूँ बट ये मेरे को बाय नहीं बोलता। चलो कोई ना भाई, इस गेम का कैरेक्टर ही कलुआ है तो फिर मैं क्या करूँ भाई। सो यहाँ से मैं थोड़ा ही आगे गया था कि मेरे को देखने को मिल जाते हैं गांव वालों के दुश्मन। हाँ भाई सही समझे, पिलेजर आउटपोस्ट। एंड ये पिलेजर आउटपोस्ट काफी ज्यादा अलग था बिकॉज ये पहाड़ के किनारे बना था एंड काफी ज्यादा बड़ा देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई इन लोगों का बेस इधर ये चिमकांडी क्रॉसबो वगैरह बनाते हैं एंड फिर हम लोग को बहुत गंदा मारते भाई। एंड ये रहा इन पिलेजर्स का बॉस, इसको पीटते भाई, ये बहुत चिमकांडी है। लोल भाई ये तो नीचे गिर गया, क्या मतलब मैंने गिरा भाई, मैंने नहीं गिरा, ये ऑटोमेटिक गिरा। एंड भाई इधर इसके चेस्ट में काफी ज्यादा सही लूट देखने को मिल जाता है भाई एंड इस चेस्ट के अंदर मेरे को एक भोंक भी देखने को मिल जाता है जिसको मैं बजा के इधर से निकल जाता हूँ। उधर से थोड़ा ही आगे जाने पे मेरे को देखने को मिल जाता है एक रुइंड पोर्टल। ये रुइंड पोर्टल लिटरली यार काफी ज्यादा सही था बिकॉज यार इस रुइंड पोर्टल के अंदर मेरे को दो दो गोल्ड ब्लॉक देखने को मिल जाते हैं। एंड इधर ये जो चेस्ट है इस चेस्ट के अंदर भी काफी सही लूट मेरे को देखने को मिल जाता है, गोल्डन एप्पल एंड गोल्डन सबल वगैरह। सो अब चलो देखते हैं इस गेम के अंदर वार्डन वगैरह देखने को मिलता है या फिर नहीं तो इधर से लेते वार्डन एंड मेरे को इधर से देखने को मिल जाता है वार्डन का एक, तो इधर से वार्डन स्पॉन करते हैं। एंड भाई देख सकते हो यार वार्डन सेम टू सेम माइनक्राफ्ट के जैसा ही देखने को मिल जाता है भाई, बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं किए गए इस वार्डन के अंदर, एकदम कॉपी लग रहा है भाई माइनक्राफ्ट जैसा। वार्डन तो इस गेम के अंदर देखने को मिल गया बट क्या इसमें स्नीफर देखने को मिलेगा, तो चलो सर्च करते हैं। एंड मेरे को इधर देखने को मिल जाता है स्नीफर एंड स्नीफर का एक दोनों। सो यहाँ पे देख सकते हो इस गेम के अंदर का स्नीफर, इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, ये भी सेम टू सेम माइनक्राफ्ट के जैसा ही देखने को मिल जाएगा। स्नीफर को स्पॉन करते ही वार्डन को भी अपना शिकार मिल जाता है एंड यहाँ पे चिमकांडी वार्डन इस बेचारे स्नीफर का काम तमाम कर देता है। क्या मतलब मैंने स्पॉन करा इसलिए वार्डन ने मारा, भाई वार्डन चिमकांडी होता ही है। चलो कोई ना भाई अभी चलते हैं इस गेम के नेदर के अंदर एंड देखते भाई इस गेम का नेदर कैसा होने वाला है। सो मैं इधर आ चुका हूँ नेदर के अंदर एंड नेदर के अंदर का व्यू देख सकते हो भाई सेम टू सेम माइनक्राफ्ट के जैसा ही देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे एक मंदबुद्धि हड्डी पहलवान भी था एंड इसको इधर ठंडक लग रही थी तो मैंने इधर आग जला दिया बट पता नहीं क्यों इधर से भाग गया। चलो कोई ना भाई इसको छोड़ो एंड यहाँ पे फोर्ट्रेस भी देखने को मिल जाता है भाई एंड इधर काफी सारे ब्लेज पिगलिंस एंड वेदर स्केलेटन्स भी थे एंड इनको भी ठंडक लग रही थी तो मैं इनके लिए भी आग जला देता हूँ बट पता नहीं क्यों ये लोग इधर से भाग रहे थे। बट मेरे को क्या, मैं इधर से चला जाता हूँ चेस्ट लूटने एंड मेरे को इस चेस्ट के अंदर काफी ज्यादा बेकार सामान मिलता है बट मैं फिर भी पता नहीं क्यों इसको उठा लेता हूँ। एंड यहाँ पे एक दो चेस्ट और थे जिसमें भी काफी ज्यादा घटिया लूट था बट मैं फिर भी उन सब लूट को लूट लेता हूँ एंड फिर इस वेदर स्केलेटन से दो दो हाथ करके इधर से निकल जाता हूँ। सो इस गेम में इतना ही, मेरे को तो ये गेम काफी ज्यादा सही लगा, बिल्कुल माइनक्राफ्ट का कॉपी ही है। एंड तुम लोगों को कैसा लगा ये तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो एंड वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलते हैं अपने इस लिस्ट के सेकंड गेम के ऊपर जिसका नाम होने वाला है लोकी 2024। इस गेम को ओपन करने के बाद सेम टू सेम माइनक्राफ्ट के जैसा ही इंटरफेस तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा एंड इस गेम का कैरेक्टर कम और टाइगर और मधुमक्खी का बच्चा ज्यादा लग रहा है। लेपे क्लिक करने के बाद तुम लोगों को इसमें फ्रेंड्स एंड सर्वर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें कुछ सर्वर पहले ही तुम लोगों को देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा सही है यार, हर एक कॉपी गेम में ऐसा नहीं होता। वर्ल्ड क्रिएट करने का भी ऑप्शन इसमें सेम टू सेम ही देखने को मिल जाता है, बस इसमें का थीम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। एंड चलो इस गेम के वर्ल्ड का भी नाम रख देते हैं एंड इसका नाम रखेंगे 100 लाइक्स कंप्लीट करा दो, जो कि हमारा इस वीडियो का लाइक एम भी होने वाला है 100 लाइक्स का, तो लाइक एम भी कंप्लीट करा देना। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ इस गेम के अंदर एंड स्पॉन देख सकते हो भाई सीधा विलेज के अंदर ही स्पॉन करा भाई, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि भाई मेरे को विलेज के अंदर स्पॉन दे दिया। एंड अगर तुम लोग को इस वर्ल्ड का सीट चाहिए तो तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो, मैं तुम लोगों को दे दूंगा। बाकी भाई ये विलेज काफी अच्छा खासा है एंड बड़ा विलेज है भाई, लेकिन इसमें मेरे को कोई भी ब्लैक स्मिथ का हाउस देखने को नहीं मिल रहा है एंड विलेज में स्पॉन दिया तो बिना लूट किए तो जाएंगे नहीं। एंड यहाँ पे एक चेस्ट है, इस चेस्ट के अंदर मेरे को काफी ठीक ठाक अमाउंट ऑफ लूट मिल जाते हैं, काफी सारे एप्पल्स एमरल्ड्स एंड एक ब्रेड भी था तो मैं इधर से उठा के लेके भाग जाता हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई इस गेम के अंदर का
आयरन गोलम, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए भाई, सेम टू सेम आयरन गोलम एकदम कॉपी लग रहा है भाई। एंड ये काउ वगैरह भी सेम टू सेम ही है। बाकी इधर ये देख सकते हो भाई पांडा, भाई कॉपी गेम्स की वीडियो में मेरे को फर्स्ट टाइम पांडा देखने को मिला है। एंड इधर ये देख सकते हो भाई जिस टाइप से बैठ के बैंबू खा रहा है भाई, काफी ज्यादा सही लग रहा है भाई ये पांडा इधर। चलो इस पांडा को इधर ही छोड़ो, अभी चलते हैं एंड देखते हैं भाई इस गेम के अंदर का वार्डन। एंड यहाँ पे मैंने ले लिया है वार्डन का एक, सो यहाँ पे देख सकते हो इस गेम के अंदर का वार्डन जो कि सेम टू सेम कॉपी लग रहा है माइनक्राफ्ट जैसा। तो इस वार्डन को दो चार फटका मार के चलते इस वर्ल्ड के नेदर के अंदर। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ इस गेम के नेदर के अंदर। एंड इस गेम का नेदर भी माइनक्राफ्ट के जैसा सिमिलरिटी देखने को मिल जाएगा। एंड इस गेम के अंदर काफी विचित्र प्राणियां भी है लाइक उड़ते हुए डब्बे जैसे अविकसित पोकेमोन, क्या मतलब ये पोकेमोन नहीं है, ये उड़ तो पोकेमोन जैसा ही रहा है। वो मैं तो भूल गया कि इस गेम के अंदर कोई ग्रेविटी नाम का चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई मैं इस गेम को रोस्ट मार रहा हूँ, एंड अगर मार भी रहा हूँ तो भी कोई क्या कर लेगा। वैसे मजाक है भाई, कोई सीरियस मत लेना इसको। एंड यहाँ पे स्केलेटन मुझसे आग जलाने के लिए बोलता है, बिकॉज़ ठंड की वजह से इसकी पूरी की पूरी शरीर गायब हो गई थी, सिर्फ हड्डियां ही बची थी। तो फिर क्या भाई मैं इसके ऊपर तरस खा के इसके लिए थोड़ा सा आग जला देता हूँ। भाई मैं बहुत दयालु हूँ, इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई तरीका है भीख मांगने का। चलो कोई ना, अभी चलते नेक्स्ट गेम के ऊपर। सो इस लिस्ट का जो थर्ड नंबर का गेम है उस गेम का नाम है मास्टर ERS क्राफ्ट। इस गेम का इंटरफेस काफी ज्यादा अलग है, बिकॉज इस गेम को ओपन करने के बाद तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा वेलकम टू मास्टर ERS क्राफ्ट। सो यहाँ पे देख सकते हो इस गेम के अंदर का कैरेक्टर काफी ज्यादा सही लग रहा है भाई, इसकी स्किन को काफी ज्यादा मस्त बना दिया है भाई इस गेम के अंदर। एंड फ्लिप पे क्लिक करने के बाद तुम लोगों को इधर सर्वर एंड फ्रेंड्स के साथ खेलने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ इस गेम के वर्ल्ड के अंदर, एंड मेरे को एक जंगल बायोम में स्पॉन दे दिया है। बाकी मेरे को स्किन काफी ज्यादा सही लग रहा है भाई देखने में। एंड तुम लोग को ये स्किन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर से बताना। एंड अगर तुम लोग का भी कोई फेवरेट गेम है जो कि तुम चाहते हो मैं ट्राई करूं तो कमेंट्स करके बता सकते हो, मैं उसको जरूर से ट्राई करूंगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो इस गेम के अंदर का रुइन पोर्टल जो कि बिल्कुल सेम टू सेम माइनक्राफ्ट के जैसा ही देखने को मिल जाता है। सारे टेक्सचर एंड इधर सब कुछ कॉपी ही लग रहा है माइनक्राफ्ट की जैसा। एंड इस चेस्ट के अंदर काफी सही लूट भी देखने को मिल जाता है, इंचेंटेड चेस्ट प्लेट एंड बूट्स भी देखने को मिल जाते हैं इधर से। तो इधर से ये लूट के मैं जाता हूँ इधर से आगे, ये देखने की इस गेम के अंदर वार्डन वगैरह देखने को मिलता है या फिर नहीं, तो इधर से सर्च कर लेते हैं वार्डन। एंड मेरे को इधर से वार्डन का एक देखने को मिल जाता है। बाकी इधर वार्डन वगैरह तुम लोग देख ही सकते हो एकदम सेम टू सेम माइनक्राफ्ट का कॉपी ही लग रहा है। एंड ये वार्डन इधर मेरा पैर छू रहा था तो मैं इसको आशीर्वाद देके इधर से आगे निकल जाता हूँ। चलो चलते इस गेम के नेदर के अंदर एंड देखते भाई इस गेम का नेदर कैसा होने वाला है। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ गेम के नेदर के अंदर। इस गेम का भी नेदर तुम लोग देख ही सकते हो सेम टू सेम माइनक्राफ्ट के जैसा ही देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे ये पिगलिन ठंड के मारे गड़गड़ा रहे थे तो मैं अपने काम में लग जाता हूँ। तो मैंने इधर काफी ज्यादा खोजा बट मेरे को इधर से कोई भी फोर्ट्रेस वगैरह देखने को नहीं मिला। ये गेम तो मेरे को काफी ज्यादा सही लगा, मेन तो इसका स्किन जो कि काफी ज्यादा सही लग रहा था भाई मेरे को। अभी चलते हैं अपन के नेक्स्ट गेम के ऊपर। अपन के इस लिस्ट का जो फोर्थ नंबर का गेम निकल के आ रहा है उस गेम का नाम है ब्लॉक क्रेजी वर्ल्ड रोबो। इस गेम को ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस तुम लोग को देखने को मिल जाएगा। प्ले पे क्लिक करने के बाद तुम लोग इसमें भी फ्रेंड एंड सर्वर वगैरह में भी खेल सकते हो। चलो जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं एक वर्ल्ड। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ इस गेम के वर्ल्ड के अंदर। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई इस गेम के अंदर भी स्टीव कैरेक्टर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो भाई इस गेम के अंदर फॉक्स सो रहा है भाई यहाँ पे। लिटरली यार मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है कि फॉक्स इस टाइप से सो रहा है भाई माइनक्राफ्ट के अंदर। वो भी मैंने फॉक्स तो बहुत सारे देखे थे बट इस टाइप से सोते हुए नहीं देखा था भाई कभी। चलो कोई ना भाई, अब इधर से चलते हैं आगे। यहाँ पे देख सकते हो भाई इस गेम के अंदर का विलेज जो कि भाई माइनक्राफ्ट जैसा ही है बट काफी ज्यादा बड़ा विलेज इधर देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई इस गेम के अंदर का हॉर्स जो कि काफी ज्यादा अजीब सा है भाई। देख सकते हो इसका कलर वगैरह काफी ज्यादा चेंज कर दिया भाई, पर्पल एंड ब्लैक कलर का कर दिया भाई हॉर्स के कलर को। यहाँ पे काउ वगैरह भी है बट इस काउ के टेक्सचर पैक में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई इस गेम के अंदर का आयरन गोलम जो कि बिल्कुल ही कॉपी है माइनक्राफ्ट का, कोई भी चेंजेस नहीं किए गए भाई इस गेम के आयरन गोलम के अंदर। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई इस गेम के अंदर के ज़ॉम्बी विलेजर्स जो कि भाई काफी ज्यादा अलग बना के रखा है भाई इस गेम के अंदर, इनके भी कलर्स में काफी ज्यादा चेंजेस किए गए, जैसे कि गाइस हॉर्स के कलर में किए गए थे पर्पल एंड ब्लैक कलर का, उसी टाइप से इसको भी कर दिया गया। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई ये ज़ॉम्बी है बिकॉज यार इधर से गिराने पे सनलाइट में जल रहा है। सो चलो कोई ना भाई, इसको जलने दो, अभी चलते हैं अपन इस गेम के नेदर के अंदर। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ इस गेम के नेदर के अंदर। एंड तुम लोग देख सकते हो भाई इस गेम का नेदर भी काफी ज्यादा सिमिलर ही है माइनक्राफ्ट से। यहाँ पे देख सकते हो भाई इस गेम के अंदर के पिगलिंस एंड सुअर्स, वैसे पिगलिन भी कोई सुअर से कम नहीं है भाई, ये भी एकदम सुअर ही लगता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई ये पिगलिन तो पूरा सोने का कवच पहन के बैठा है। रुक भाई अभी तेरे को बताता हूं भाई, ये ले जल चिमकांडी कहीं का भाई, सोने का कवच पहन के घूम रहा है, बहुत अमीर बन रहा है चिमकांडी ये ले। वहां उस पिगलिन के पास आग लग गई थी तो मैं उधर से निकल जाता हूँ आगे। एंड यहाँ पे मेरे को देखने को मिल जाता है एक बेस्टियन, इसके अंदर सुअर वगैरह भी थे जिनको काफी ज्यादा ठंडक लग रही थी तो मैं इनके लिए इधर आग जला के चला जाता हूँ आगे। एंड यहाँ पे मेरे को देखने को मिल जाता है काफी ज्यादा सोने का भंडार पूरा, जो कि ये पिगलिंस ने हमसे ट्रेड करके लाया होगा इधर। एंड यहाँ पे एक चेस्ट था तो उस चेस्ट को ओपन कर दो तो उसमें मेरे को काफी ज्यादा गोल्ड वगैरह मिलते, तो मैं सारे के सारे लूट के इधर से चला जाता हूँ आगे। बाकी मैं इधर काफी ज्यादा खोजता हूँ बट मेरे को इधर कोई भी अच्छा चीज देखने को नहीं मिलता है। या अभी चलते हैं इस लिस्ट के अपने लास्ट एंड फाइनल गेम के ऊपर, जिस गेम का नाम है लोकी क्राफ्ट 5 क्राफ्टिंग। इस गेम को ओपन करने के बाद तुम लोग को साइन इन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा सही है भाई, हर एक गेम में ऐसा देखने को नहीं मिलता भाई। ये फर्स्ट गेम है अपने टॉप 5 की लिस्ट में जिसमें ये देखने को मिलता है। एंड इसके अंदर फ्रेंड्स
एंड सर्वर वगैरह के साथ भी तुम लोग खेल सकते हो। सो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक वर्ल्ड एंड यहाँ पे मैं आ चुका हूँ इस गेम के वर्ल्ड के अंदर। भाई इस गेम का वर्ल्ड काफी ज्यादा अलग है भाई, इसके टेक्सचर पैक में काफी ज्यादा चेंजेस वगैरह किए, ग्रास वगैरह सब कुछ काफी ज्यादा चेंज किया गया भाई माइनक्राफ्ट से। एंड इस गेम के अंदर भाई लामा वगैरह का भी टेक्सचर पैक तुम लोग देख ही सकते हो काफी ज्यादा अलग किया गया भाई इसमें। एंड इस गेम के अंदर का शिप देख सकते हो भाई, काफी ज्यादा अजीब कर दिया भाई इस शिप के टेक्सचर पैक में भाई, इसको ब्लैक कर दिया भाई पूरा मुंह इसका पूरा ब्लैक कर दिया भाई, ये शिप कम गोरिल्ला ज्यादा लग रहा है भाई। एंड इस गेम के अंदर हम लोग को एलेक्स कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा जो कि माइनक्राफ्ट के अंदर भी देखने को मिल जाता है। एंड इस गेम के अंदर का ट्री वगैरह देख सकते हो भाई, काफी ज्यादा चेंजेस किया गया भाई इसके टेक्सचर पैक वगैरह में, काफी ज्यादा रियल टाइप का भी बनाने का कोशिश किया गया भाई। सो यहाँ पे देख सकते हो भाई इस गेम के अंदर का विलेज जो कि भाई काफी ज्यादा अलग है भाई नॉर्मल माइनक्राफ्ट के विलेज वगैरह से, इसकी छत वगैरह सब कुछ काफी ज्यादा चेंज किया गया भाई, इसके वुड वगैरह के टेक्सचर पैक वगैरह काफी ज्यादा अलग है भाई। तो चलो इन विलेजर के घर में देखते हैं भाई क्या क्या लूट रखा है इन्होंने। इसके अंदर भाई एक चेस्ट देखने को मिल जाता है, इस चेस्ट के अंदर भाई काफी ज्यादा ब्रेड वगैरह है भाई एंड इसके टेक्सचर पैक में काफी ज्यादा चेंजेस किए गए भाई, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि भाई ये ब्रेड वगैरह है भाई, माइनक्राफ्ट में ऐसा नहीं है भाई, काफी ज्यादा अलग है इसे। एंड इसमें बेड वगैरह का भी टेक्सचर पैक तुम लोग देख ही सकते हो एंड वुड वगैरह भी काफी ज्यादा अलग किया गया भाई इस गेम के अंदर का, भाई देख सकते हो भाई किस टाइप से बनाया गया है इस गेम में। टॉर्च वगैरह भी देख सकते हो भाई काफी ज्यादा अलग है भाई, टॉर्च लग रहा है भाई ट्यूबलाइट टाइप। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई इस गेम के अंदर का काउ जो कि काफी ज्यादा रियल टाइप का बनाने का कोशिश किया गया भाई माइनक्राफ्ट से, काफी ज्यादा अलग है भाई इसमें का काउ, मेरे को काफी ज्यादा सही लगा। एंड इस गेम के अंदर का सुअर वगैरह भी देख सकते हो भाई, काफी ज्यादा रियल टाइप का बनाने का कोशिश किया गया भाई, पिंक कलर का बनाया है तो भाई काफी ज्यादा सही है भाई, कुछ ना कुछ चेंजेस होना ही चाहिए भाई, अदरवाइज अच्छा नहीं लगता भाई हर एक गेम सेम टू सेम एकदम। सो यहाँ पे देख सकते हो भाई इस गेम के अंदर का आयरन गोलम जो कि भाई काफी ज्यादा अलग किया गया भाई, आयरन गोलम को इधर ब्लैक कलर का बना दिया गया भाई, पत्थर टाइप का काफी ज्यादा अजीब लग रहा है भाई देखने में, ये विलेज का छक्कम राक्षस ज्यादा लग रहा है भाई। चलो कोई ना भाई, एंड ये देख सकते हो भाई इस गेम के अंदर का चिकन जो कि भाई काफी ज्यादा सही लग रहा है भाई इस गेम में, बाकी तुम लोग कमेंट करके बताना भाई तुम लोगों को कैसा लग रहा है। एंड ये देख सकते हो भाई इस गेम के अंदर का सनसेट जो कि काफी ज्यादा सही लग रहा है भाई, बट सन के टेक्सचर पैक में क्या किया गया भाई देख सकते हो भाई सर्कल बनाया गया। सो चलो चलते भाई इस गेम के नेदर के अंदर एंड देखते भाई इस गेम का नेदर कैसा होने वाला है। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ इस गेम के नेदर के अंदर एंड तुम लोग देख ही सकते हो भाई इस गेम के नेदर के अंदर का लुक जो कि काफी ज्यादा अलग है भाई माइनक्राफ्ट से, तो काफी ज्यादा अलग किया गया भाई। एंड इसके ग्लो स्टोन एंड भाई इसकी टेक्सचर जो की काफी ज्यादा अलग है भाई माइनक्राफ्ट से। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई इस गेम के अंदर का एंडरमैन, इसको भी काफी ज्यादा ठंड लग रही थी तो ये भी मेरे से बोल रहा था कि आग जलाइए ना सर, मैं इसके लिए थोड़ा सा आग जला देता हूँ, बट ये पता नहीं क्यों इधर से भाग जाता है। चलो कोई ना भाई इसको छोड़ो एंड इधर से मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ एंड आगे जाने के बाद मेरे को दिखता है एक रुइंड पोर्टल जो कि भाई फर्स्ट टाइम मेरे को नेदर के अंदर कोई रुइंड पोर्टल देखने को मिला था। बाकी तुम लोग कमेंट करके बताना तुम लोगों को कभी रुइंड पोर्टल नेदर के अंदर देखने को मिला है फिर नहीं। एंड इसके अंदर भी भाई दो दो गोल्ड ब्लॉक है भाई, देख सकते हो भाई काफी ज्यादा सही रुइंड पोर्टल देखने को मिलता है इधर। जो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी तुम लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। एंड अगर तुम्हें माइनक्राफ्ट के और भी कॉपी गेम्स देखने हैं तो तुम इस वीडियो पे क्लिक करो, मैं तुम लोगों से वहीं मिलूंगा।